हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। चैप्टर नंबर 6 का 6.3 कर रहे थे हम, क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ लाइन पी क्यू, ये देखिए पी क्यू ये लाइन जो है, एंड आर एस ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है, एट पॉइंट टी पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए, सच दैट एंगल पी आर टी ये वाला एंगल 40 है, आर पी टी ये वाला एंगल 95 है, टी एस क्यू ये वाला एंगल हमारा 75 है। काफ़ी सारे एंगल इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है एस क्यू टी ये वाला एंगल, एस क्यू टी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लिखते हैं इन ट्राइंगल, देखिए छोटा वाला ये वाला ट्राइंगल लेंगे पी आर टी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस एंगल को अगर हमने फाइंड कर लिया तो हम ये वाला एंगल भी फाइंड कर लेंगे वर्टिकली अपोजिट से। तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर, यानी कि आर पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 180 डिग्री, ठीक है। हमने रीजन ऊपर लिखा है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। पी आर टी हमें कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, प्लस आर टी पी हमें फाइंड करना है, तो हमने आर टी पी वैसा का वैसा रखा, प्लस आर पी टी दिया हुआ है हमें कितना 95 डिग्री, इक्वल टू हमारा क्या है 180 डिग्री। एंगल आर टी पी तो यहीं रहेगा, प्लस 90 और प्लस 40 ये हो जाएगा हमारा 135 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल आर टी पी तो ऐसे ही रहेगा और 180 के ट्रांसफ़र यहाँ पे चला जाएगा हमारा माइनस में 135। जब ये माइनस होगा तो हमारा वैल्यू आएगा आर टी पी इक्वल टू आएगा 45 डिग्री, ठीक है। अभी हमने आर टी पी निकाला है, यानी कि ये 45 डिग्री निकाला है, तो इसके पास सामने वाला एंगल ये देखिए टी, ये भी तो इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चलिए रीजन लिखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं एंगल, ये हमारा स्टेप वन था, स्टेप हमारा सेकेंड, एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, देखिए एस टी क्यू ये वाला एंगल और पी टी आर ये वाला एंगल इक्वल होंगे, रीजन हम ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, लिख दिया हमने रीजन। अब एंगल पी टी आर हमारा क्या है, पी टी आर 45 है, तो एंगल एस टी क्यू को हम 45 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा ये 45 डिग्री भी हमने प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है एस क्यू टी, यहाँ पे देखिए एस क्यू टी फाइंड करने के लिए ये देखिए यहाँ पे ये 45 डिग्री है, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। इस क्वेश्चन में दो बार एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करने पर क्यू आ जाएगा हमारा। लिखते हैं हम यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, एस टी क्यू ट्राइंगल में यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हमेशा रीजन जरूर लिखिए, प्रॉपर्टी डैश एंगल कौन सा है हमारा, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस, जिसे एस क्यू टी लिख सकते हैं हम, ठीक है, प्लस टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो एस टी क्यू देखिए एस टी क्यू 45 डिग्री दिया हुआ है हमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री, प्लस एस क्यू टी हमें फाइंड करना है, तो हम इसको एस क्यू टी को तो वैसा का वैसा रखेंगे, प्लस एंगल टी एस क्यू हमें दिया हुआ है 75 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया 75 डिग्री इक्वल टू में 180। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, एस क्यू टी को तो वहीं रहने देंगे और 75 और 45 को प्लस कर देंगे, कितना आंसर आएगा 120 डिग्री 180। अब एंगल एस क्यू टी तो यहीं रहेगा और 180 के ट्रांसफर में चला जाएगा 120 डिग्री। एंगल एस क्यू टी इक्वल 180 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। इस तरीके से हमने एस क्यू टी फाइंड कर लिया, हमें क्वेश्चन में एस क्यू टी ही फाइंड करना था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।